आज का सत्संग के लिए सब्जेक्ट रखा गया है घर में क्लेश मिटाने की कला। ज्ञान के बाद तो हर एक के जीवन में अनुभव में आता ही है, घर में क्लेश कंकास कलह कम होते गया, क्योंकि हमारे भीतर वाले क्लेश पहले कम हुए, अपेक्षाएं कम हुई, आग्रह कम हुए, द्वेष अभाव कम हुआ, भीतर ही आनंद शुरू हुआ, आत्मदृष्टि हुई। और घर याने जिसके साथ ज़्यादा राग है, ज़्यादा द्वेष है, पूर्वों में ज़्यादा राग द्वेष किए, वही हमारे घर के फैमिली मेंबर्स होके आते हैं। और इन्हीं फैमिली मेंबर्स के साथ हमें राग द्वेष बिना रहना है, नए राग द्वेष न हो जाए, पुराने राग द्वेष खत्म करें। इन्हीं के साथ वितराग हो गए तो सारी दुनिया जीत गई। सारी दुनिया में दुनिया के लोगों के साथ वितराग नहीं होना है, घर के लोगों के साथ ही। और वो भी वितराग होने में भी उनके प्रति कुछ भी द्वेष होता है, अभाव होता है, नापसंद वाला व्यवहार होता है, उसी को ही जीतना है। राग वाला बाद में जीतेंगे, पहला मोह वाला, पहला द्वेष वाला भाग जीतेंगे। जो भी व्यक्ति हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे है या माँ बाप है, सास ससुर है, देवरानी जेठानी भाई भतीजे, सब नज़दीक वाले व्यक्ति के साथ ही द्वेष भाव वैर भाव खत्म करना है। खानदान फैमिली में तो मुँह से बोलना, हाथ से लड़ाई करना वो तो बंद रखते हैं, मगर मुँह से बोल देते हैं कभी न कभी, टोंट मार देते हैं, मैना टोना सुना देते हैं। और उससे भी आगे मन में अभाव रहता है, अभिप्राय रहता है, ये आदमी अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आती है। तो ये मन वचन काया से जो भी प्रकार के आसपास की व्यक्तियों के प्रति कुछ भी द्वेष भाव हो जाता है, दोष दृष्टि हो जाती है या दुख वाला व्यवहार हो जाता है, वहाँ ही जागृति रखनी है। और हमारी गरज से हमें जागृति रखनी, हमें छूटना है। हमें अभी संसार पोषाता नहीं है, किसी के साथ राग द्वेष वैर जैर रखना नहीं है, छूटना है। तो कोई भी व्यवहार हुआ, पहले फाइल वन को हम जांच करेंगे, कहाँ उसको भोगवटा आता है, किस वजह से आता है, खाने पीने की चीज़ों की वजह से होता है तो वहाँ सॉल्यूशन निकालो। चाय थोड़ी लेट आ गई, नाश्ता मज़ा नहीं आई, तो फाइल है संभाव से निकाल करना है। हम फाइल वन के साथ ही जुदापन रखें, जो तुझे मिला हिसाब है, करेक्ट है, आज ठंडा आया चाहे दूसरे दिन सही आएगा, संभाव से निकाल करो। व्यक्तियों के साथ झगड़ा नहीं करना है, निमित्त को दोषित नहीं देखना है। एक महीने में 7 बार आने वाली होगी ठंडी चाय, तो 7 बार पियेंगे, बाकी नॉर्मल सही व्यवहार आएगा दूसरी बार। तो हमें एक एक संजोग को जीतना है, संभाव रख के निकाल करना है। भूल कहाँ हो जाती है कि चाय के वजह से मज़ा नहीं आएगी, बनाने वाले के ऊपर झगड़ा कर देते हैं, ध्यान नहीं रखती, टाइम पे चाय नहीं देती, ठंडी कर देती है। अरे हमें मतभेद लाना ही नहीं, क्लेश करना ही नहीं, हमारी गलत समझ है। ये चाय खुद ही फाइल है, छूट गई तो हमेशा के लिए झंझट जाएगी, तो उसके वजह से हम किसी के साथ राग द्वेष करें वो तो गलती है। खाने में बहुत सारे खिटपिट हो जाते हैं, कड़ी मज़ा नहीं आई, नमक ज़्यादा डाल दिया, एडजस्टमेंट लो, सॉल्यूशन निकालो, प्लस माइनस करके खा लो। मुंह के अंदर गया, पेट कोई बूम नहीं करेगा। हमें सॉल्यूशन लाना है, कोई परिस्थिति में, कोई परिस्थिति हमें डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसा एडजस्टमेंट लेना है। ये फाइल वन के लिए एडजस्टमेंट तुरंत लेते हैं, जरा ठंडी लगती है तुरंत जैकेट पहन लिया,
जरा गला सूखने लगा, थोड़ा पानी पी लिया, तुरंत एडजस्टमेंट। तो सामने वाला का भी सोचना चाहिए कि उसने जो बना के दिया हमें पसंद नहीं है तो हमें एडजस्टमेंट लेना है। ठंडी हम सुधारने नहीं जाते, इतनी सारी ठंडी, लकड़े जलाओ, हीट लगाओ, अरे हम जैकेट पहन के घूमते हैं। तो यहाँ भी खाने में एडजस्टमेंट हमें करना है। हम सामने वाले को सुधारने जाते हैं, उसको सुधारने से नहीं सुधरेगा, हमें एडजस्टमेंट लेना है। चलो कम ज़्यादा पसंद आया कम खाओ, नहीं पसंद है कम खाओ, ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा खाओ। पर सॉल्यूशन खुद में ही निकालना है। हमारी दृष्टि हमेशा सामने वाले को सुधारने तरफ जाती है, तुझे सुधरना चाहिए, तुझे ध्यान रखना चाहिए, ऐसी गलती बार बार नहीं करनी चाहिए, वो नहीं होगा। यहाँ देखो हम तुरंत गला सूखने लगा, पानी पी लिया, तो किसी का आक्षेप नहीं दिया, और यहाँ खाने में मजा नहीं आई आक्षेप दे देते हैं, तेरा ठिकाना ही नहीं, तुम बराबर बनाती ही नहीं। और वो सामने वाले की गलती निकाली, दोषी देखा, हमारा क्लेश चालू हो जाएगा और उनके तरफ से रिएक्शन आएगा, वो डबल नुकसान। हमें छूटना है, हम एडजस्टमेंट करेंगे। और हस्बैंड एंड वाइफ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, वाइफ को अच्छा अच्छा खाना बनाने की मजा आती है, हस्बैंड को खाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। या तो हस्बैंड को अच्छा अच्छा खाना चाहिए, मीठा नमकीन ये वो, वाइफ को बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये जोड़ा कजोड़ा ही रहता है। एक को दही मजा आती है, एक बोलेगा दही तो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे दूध वाली आइटम चाहिए। तो ये प्रकृति मिलजोल वाली नहीं मिलेगी कलयुग में। इसका सॉल्यूशन इतना ही है, जिसको शांति चाहिए उसको एडजस्टमेंट लेना है, और क्लेश का कारण व्यक्ति नहीं, संजोग नहीं, परिस्थिति नहीं, हमारी अज्ञानता है, हमारी गलत समझ है। हम हमारी समझ चेंज करें और एडजस्टमेंट लिया तो वही परिस्थिति हमें दुखदाई नहीं रहेगी। सॉल्यूशन हमारे में लाना है, हमें एडजस्टमेंट लेना है। जितनी और जहाँ भी हम एडजस्टमेंट नहीं लेते वहाँ तुरंत भोगवट आएगा, भीतर में क्लेश चालू हो जाएगा। सामने वाले के दोष दिखे, क्लेश चालू, बाद में भीतर में जलन चालू हो जाती है। तो दादाजी की एक ही वाक्य बात पकड़ लो, भगतता है उसकी गलती, कुछ भी भोगवट आया सामने वाले का दोष नहीं, हमारी गलती का दोष है। क्या गलती, तो खाने के ऊपर राग किया, अच्छा नहीं आया तो बनाने वाले पर द्वेष किया, और खाने पर राग है, अच्छा बनाया तो ये होटल में अच्छा मिलता है, मजा आती है, होटल वाले के ऊपर राग। ये राग द्वेष हमारे अभिप्राय के ऊपर है, हमारे खाने के राग द्वेष के आधार से व्यक्तियों के ऊपर राग द्वेष चले जाते हैं। तो खाने वाला ही मैं नहीं हूँ, हम ही एडजस्टमेंट लेना है। आहारी को बोलने का, तुझे जो मिला तेरा हिसाब है, व्यवस्थित है, किसी का दोष नहीं निकालना है। तो यहाँ एडजस्टमेंट लिया तो सॉल्यूशन आ गया, तो सामने वाले तक स्पंदन भी नहीं पहुँचेंगे, उनके तरफ से रिएक्शन भी नहीं आएंगे। हम किसी के घर गेस्ट होके जाते हैं तो कुछ गलती निकालते हैं, आपने खाना सही नहीं बनाया, ये कच्चा है, ये ज़्यादा नमक है, ये ज़्यादा ये है, वैसा है वैसा है, तेल वाला ज़्यादा है, कुछ नहीं बोलते भाई, थोड़ा एडजस्टमेंट करके खा लेते हैं क्योंकि हम गेस्ट हैं किसी के घर पे। तो दादाजी बताते थे, मैं भी घर में गेस्ट के जैसा ही रहता था, वाइफ के गेस्ट हाउस में हम आए खाना खाने के लिए, मुँह पे नहीं बोलने का मगर भीतर में ऐसा ही एडजस्टमेंट लिया, और गेस्ट को हमेशा बहुत सुख सहाई भी मिलती है। तो ये एडजस्टमेंट हमारे तरफ से है, हम सामने वाले की प्रकृति समझ के एडजस्टमेंट लेते गए तो हमें कोई परिस्थिति क्लेश नहीं करा सकती। और क्लेश हुआ तो इतना ज़रूर समझ लेना है, हमारा मोह है, हमारा अभिप्राय है, हमारी अज्ञान मान्यता है, कुछ गलती हमारे में है। और ज्ञान के बाद थोड़े साल जाते हैं तो स्थूल दोष में से हम निकलने लगते हैं। अभी सूक्ष्म में जागृति बढ़ाओ, फाइल वन को
कौन सी फाइल वन के ऊपर ऑब्जर्वेशन ही करना है, इसको क्या पसंद आता है क्या पसंद नहीं आता है, कहाँ उसको दुख लगता है, कहाँ सामने वाले दोषी दिखता है, भीतर के भीतर ही सॉल्यूशन निकालना है। हमारा मोह है तो ही सामने वाली व्यक्ति के तरफ से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार हुआ तो हमें भोगवटा आएगा, ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं समझता, क्यों बार बार ऐसी गलती करता है, तो हमारी गलती है। हमें तुरंत निर्दोष दृष्टि रखनी है, शुद्धात्मा देखना है, प्रकृति का मरा हुआ माल देखना है, प्रार्थना करो, उपाय करो, और जुदापन की जागृति रख के और क्लेश परिणाम को ज्ञान से खत्म करना है। एक एक परिस्थिति, एक एक व्यक्तियों के साथ का कुछ भी क्लेश परिणाम हुआ, खुद का मोह देखो, खुद की अपेक्षा देखो, खुद का आग्रह देखो, खुद की गलत समझ निकल गई, दोष दो डाला, तो वही परिणाम में अभी क्लेश नहीं होगा। क्लेश का कारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई संजोग नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, 100% खुद की गलत समझ है, और वो हमें इतना सारा अक्रम विज्ञान है हमारे पास, दादाजी की कितनी ज्ञान वाणी है, ज्ञान वाक्य अप्लाई करने के 5 आज्ञा है, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, हुआ सुन्याय भुगतता है उसकी गलती, निर्दोष दृष्टि, कुछ भी एडजस्टमेंट लेके भीतर में सॉल्यूशन निकालना है। ये खाने के वजह से बहुत सारे क्लेश होते हैं घर में, और दूसरा कारण है विषय विकार, वो भी बहुत बड़ा क्लेश का कारण है। एक को चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए, मुझे मेरी अपेक्षा पूरी करो, एक तिरस्कार करता है एक डिमांड करता है, झगड़े झगड़े हो जाते हैं। यहाँ भी समाधान पूर्वक सॉल्यूशन लाना है, एक दूसरे को दुख न हो जाए ऐसे सॉल्यूशन लाना है। हमारा ही मोह हम खत्म करते जाएंगे तो धीरे धीरे घर में क्लेश भी बंद होते जाएगा। एंड हर परिस्थिति में ज्ञान का अवलंबन लेके सॉल्यूशन लाना है। दो प्रकृति दो मन मिलजुल हमेशा रहेगा ही नहीं, हमारा व्यू पॉइंट सामने वाला का व्यू पॉइंट, हमारा मत सामने वाले का मत, दो एक सरीखा रहेगा ही नहीं। जिसको शांति चाहिए उसको एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। सामने वाला दादाजी बताते हैं, हम हमारा मत ही छोड़ दिया था, सामने वाले का मत वही हमारा मत, आपको क्या पसंद है वो हमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो फिर हमें क्लेश रहेगा ही नहीं, दुख रहेगा ही नहीं। क्रोध मान माया लोभ क्लेश कराते हैं, अपेक्षा मोह लालच लोभ विकार मोह, ये हमारे दोष हमें क्लेश कराने वाले हैं, नहीं के सामने वाली व्यक्ति। वहाँ जागृति रखनी है। अभी महात्माओं ने ये पुरुषार्थ कर रहा है, पहले स्थूल किसी को दुख न पहुँचे उसमें तो हम जागृत हो गए, भीतर कोई भोगवट आया क्लेश परिणाम कुछ नुकसान हुआ तो भीतर भोगवट आ जाएगा, ध्यान नहीं रखता 2000 का नुकसान कर दिया, तो समझना चाहिए हमारी लोभ की ग्रंथि है, वो हमें भोगवटा देती है, उसका भी सॉल्यूशन करो। चलो आदमी तो बच गया, नुकसान तो नहीं हुआ दूसरा ज़्यादा, और हुआ सुव्यवस्थित, किसी का दोष नहीं है। यानी एक एक परिस्थिति में सॉल्यूशन लाना है, और हमारी समझ बदलनी है। अज्ञान दशा वाली समझ थी उसे क्लेश होता था, ज्ञानी की समझ से हम सेट करेंगे तो वही परिस्थिति में क्लेश नहीं होगा। ऐसे करते करते हमारा आनंद निरंतर है, कोई परिस्थिति हमारा आनंद को डिस्टर्ब ना कर सके, वो हमारी ज्ञान दशा में प्रगति हो गई। हर एक परिस्थिति में आनंद में रह सके, कोई डिस्कशन होता है घर में या प्रोग्राम में, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा व्यू पॉइंट है ऐसा करो तो अच्छा है, बाकी डिसीजन सबको लेने दो,
हमें कुछ डिसीजन लेना है तो भी सबको समाधान हो जाए ऐसे लो। तो ये एडजस्टमेंट ऐसा है कि खुद को क्लेश भी नहीं करने देगा, सबको समाधान रहेगा, सब मिलजुल के कार्य भी कर सकेंगे। और फिर भी हमारी भावना है किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, कोई परिस्थिति में दुखी नहीं होना है, और हमारे व्यवहार से किसी को दुख पहुंच जाता है, या तो सामने वाले की अपेक्षा हम पूरी नहीं कर सके, उनको दुख रहता है, हमें दुख देने की इच्छा भी नहीं है, कोई इंटेंशन भी नहीं है दुख, फिर भी सामने वाले को दुख लग जाता है, तो फिर दूसरा उपाय है प्रतिक्रमण। सूक्ष्म में प्रतिक्रमण चालू ही रखेंगे कि मेरे निमित्त से उनको दुख पहुँचता है, उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होने की वजह से उनको दुख पहुँचता है, हे शुद्धात्मा भगवान माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे फाइल का संभाव से निकाल करने की शक्ति दो। धीरे 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 हमारे तरफ के राग द्वेष धोते जाएंगे, प्रतिक्रमण करते करते हमारे दोष जो धोते जाएंगे, धीरे धीरे सामने वाले के हिसाब से हम मुक्त होते जाते हैं। ये सॉल्यूशन हमारा पुरुषार्थ ये सॉल्यूशन लाने में होना चाहिए, एक दूसरे के साथ पूरक होके कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट लेके सॉल्यूशन लाना है। सामने वाले को नुकसान करके, तोड़ के, अपमान करके, हमारे मनमानी करके दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है। यहाँ जागृति रखनी है कि नहीं, हम जुदा रह के फाइल वन को बताएंगे, हे ऐसे मत करो, संभाव से निकाल करो, दुख न हो जाए, ऐसे व्यवहार करो। तो हम जुदा वन रखेंगे तो भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और सेकेंड स्टेज में फाइल वन से किसी को दुख पहुंचा, नज़दीक वाली व्यक्तियों का प्रतिक्रमण किया तो भी सॉल्व होते जाता है। और कितने लोगों का अनुभव है ही ज्ञान के बाद, कितने प्रकार के घर में क्लेश कंकास चले गए, वो तो अनुभव है ना, किसको किसको ऐसे अनुभव हुए हैं, ओ बहुत लोगों का है। हाँ, आप अपना अनुभव ज़रूर बताना, कौन सी परिस्थिति में पहले क्लेश होता था, कौन सा ज्ञान अप्लाई किया, कैसे आनंद में रह सकते हो, सब बताना। क्योंकि अज्ञानता है ना अंधेरा, अंधेरा में ठोकर लगेगी, मतभेद हो जाएंगे, टकराव हो जाएगी, ज्ञान यानी उजाला, प्रकाश, प्रकाश में सब एडजस्टमेंट ले सकेगा, समाधान होगा, सॉल्यूशन निकलेगा, आनंद में रहेंगे। एक दूसरे की गलती निकालने से ही क्लेश पड़ता है, और निर्दोष देखा तो हमारा क्लेश बंद हो जाएगा, और उसका रिएक्शन में सामने वाले को भी दुख नहीं रहेगा, उनके तरफ से भी दुख नहीं आएगा। दृष्टि ही बदलनी है, व्यक्ति को बदलना नहीं है, और बदलेगा भी नहीं सामने वाली व्यक्ति, हमारी दृष्टि बदलनी है, हमें एडजस्टमेंट लेना है। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ अनुभव कहना है, ज़रूर कह सकते हो। मनीष गुलवाड़े, भाव है आज का पुरुषार्थ है, और विचार है डिस्चार्ज है। तो विचार पास्ट लाइफ से आते हैं पूज्य श्री, पास्ट लाइफ के, और पुरुषार्थ आज का भाव है अपना। एक्चुअली विचार भी पास्ट लाइफ के है, वाणी भी पास्ट लाइफ की है, वर्तन भी पास्ट लाइफ का है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी पास्ट लाइफ का है। अच्छा, वो बीज गिर गया था उसका फल आया, बेटे आए बेटी आई वो भी फल, नौकरी मिली वो भी फल, बॉस हमें डांटता है वो भी फल, कलीग हमें अपसेट करता है वो भी फल, सब डिस्चार्ज वाला है। पांच इंद्रिय से जितना भी दिखता है सब डिस्चार्ज है। हम डिस्चार्ज को सुधारने जाते, ऐसा क्यों करते हो, ये कभी बंद करोगे, क्यों समझते नहीं है, और वही क्लेश का कारण है हमारी अज्ञानता। वहाँ निर्दोष देखना हिसाब है, निमित्त निर्दोष है और भुगतता है उसकी गलती। ये ज्ञान सब सेट किया वही पुरुषार्थ है, आनंद में रह सकोगे ज्ञान की दृष्टि से, वो पुरुषार्थ। और क्लेश होना वो डिस्चार्ज कर्म क्लेश नहीं कराते हैं, हमारी अजागृति क्लेश कराती है। ऐसे क्यों करता है, अभी डिस्चार्ज को आप बोला ऐसे क्यों किया, कोई आदमी ने वॉमिट किया तो क्यों वॉमिट करते हो, अरे भी हो गई, मैं जानबूझ के थोड़ा करता हूँ, तो हो गया ऐसा देखना, आपको भी समझना चाहिए कि नहीं वो शुद्धात्मा नहीं करता है,
प्रकृति का भरा हुआ माल निकलता है। तो हमें ज्ञान की दृष्टि रखेंगे तो वही परिस्थिति हमें क्लेश नहीं कराएगी, और हम उसको दोषित देखेंगे, ऐसा क्यों करता है, कभी बंद करेगा, कभी सुधरेगा, तो हमें क्लेश हो जाएगा। तो ये जागृति रखनी वो पुरुषार्थ है, और अजागृति रखनी वो कचास कमी है। बाकी परिस्थिति डिस्चार्ज है, वो तो डिस्चार्ज को कोई चेंज नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, और बदलना नहीं है। मगर ये डिस्चार्ज है और शुद्धात्मा अलग है, ये समझना, वो जागृति रखनी है। तो एक संसार में सब भाव को एग्जांपल बताइए कि भाव किसको बोलना और विचार किसको बोलना चाहिए। अज्ञान दशा में ही भाव होते हैं। अच्छा, और विचार? विचार तो आते ही है, छोटा बच्चा भी बोला आज मुझे स्कूल नहीं जाना, ऐसा विचार आता है। अरे विचार है या भाव है? फिर वो भाव नहीं, विचार है। देखो सिंपल बात है, विचार तो मनुष्य मात्र को आते हैं, विचार को मैं सोचता हूँ मानना वो भाव है। अच्छा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छे विचार करने चाहिए, बुरे विचार बहुत आते हैं। ये एज ऑफ 65 मुझे विषय विकार के विचार आते हैं, तो आते हैं मन को और मानते हैं मुझे आते हैं, वो भाव हो गया। मैं नहीं करना चाहता तो भी आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है तो द्वेष करता है, राग द्वेष वहाँ भाव है, बीज गिरते हैं। भाव याने इसका करता मैं हूँ, डिस्चार्ज का मैं करता हूँ, वो मान्यता वही भाव, मैं ही मनीष हूँ और मैंने किया, वो भाव बीज है। समझ में आया ना? तो भाव पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ याने क्या है कि बुरा भाव को सुधारना, पॉजिटिव करना, वो पुरुषार्थ है। अथवा तो जुदा रखना, ये सब मनीष का है, मेरा नहीं, मैं जुदा हूँ, मनीष के विचार मन के विचार है, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो पुरुषार्थ है। ओके।